हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस के क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज हम बिना इलास्टिक वाला मास्क बनाना सीखेंगे। इसमें इलास्टिक की जगह पे मैंने कपड़ा यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये एक न्यू डिज़ाइन का मास्क है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। फ्रेंड्स, कपड़े को हम उल्टा करके रखेंगे और हम एक प्लेट लेंगे। मेरी प्लेट का डायमीटर 27 सेंटीमीटर है। हम प्लेट को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और एक गोल शेप बना लेंगे। गोल शेप बनाने के बाद फ्रेंड्स, हम उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अपने कपड़े को बीच से एक बार फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद हम दोबारा उसे बीच से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम ऊपर की साइड से 8 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड से 3.5 सेंटीमीटर लेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसमें इलास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम ऊपर से 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये हम कपड़ा यूज़ करेंगे जो हमारा इलास्टिक के प्लेस पे काम आएगा। तो फ्रेंड्स, प्लेट के हेल्प से हम दोनों कॉर्नर को हम मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने 2 सेंटीमीटर का डॉट ड्रॉ किया था, उसको हम एक लंबी सी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला कपड़ा कट हो चुका है। अब हम इसके लिए दूसरा कपड़ा कट करेंगे। ये हमारा नहीं 3 लेयर मास्क बनेगा, तो हम बीच का लेयर भी कट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो मिडिल लेयर है, उसमें केवल हम ऊपर का जो शेप है बस वही कट करेंगे। ये लंबा सा जो एरिया है वो हम कट नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने किया, आप भी उसी तरह करें। अब हम कपड़े को सेट करेंगे। पहले हम मिडिल लेयर रखेंगे, उसके ऊपर हम अपना ब्लैक वाला कपड़ा रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपना मिडिल लेयर दोबारा से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड में। सेम उसी तरह हम अपने ब्लैक वाले कपड़े को भी बीच से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो हमारा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे बराबर से दोनों कपड़े को, ताकि ये हमारा खुल जाए कपड़ा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कपड़ा खुल चुका है। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम ब्लैक वाला कपड़ा उल्टा करके रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। बस फ्रेंड, हमें ऊपर में जो थोड़ा सा प्लेस है वो छोड़ना है, उसके बाद सिलाई करनी है ताकि हम कपड़े को सीधा कर सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जिस कपड़े से हमें इलास्टिक बनानी है वो कपड़ा हमारा सिलना नहीं है, उसे खुला छोड़ना है। फ्रेंड, जिस तरह मैंने सिला है, आप भी ध्यान से देखें और उसे उसी तरह सिलें। ऊपर के साइड से थोड़ा सा प्लेस छोड़कर सिलाई करनी है इसमें। दोनों साइड सेम उसी तरह सिलाई करनी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा खुला कपड़ा है। आप इसे ध्यान से देख लें एक बार, उसके बाद कपड़े को सीधा कर लें। सीधा करने के बाद जो हमारा इलास्टिक बनेगा वो वाला कपड़ा को हमें पकड़ लेना है। नीचे की साइड से हमें उसे सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ हमें उसी तरह सिलाई कर लेनी है फ्रेंड्स। नीचे की साइड से सिलाई करने के बाद अब हम अपने कपड़े को ऊपर से भी जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों कपड़े के कॉर्नर को पकड़े, उसके बाद उसे उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ इंच फोल्ड करके इसे एक थ्रेड का रूप दे दें और उसके ऊपर सिलाई लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जिस तरह हमने इस साइड बनाया है, उसी तरह हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। सेम दोनों तरफ से बनाने के बाद हम अपने पूरे मास्क पर सिलाई लगा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मास्क बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये आप दोनों साइड से पहन सकते हैं, दोनों साइड से पहनने में बेहतर है। इसमें इलास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना इलास्टिक वाला मास्क है।